मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रहने वाली देश की दूसरी महिला गोल्ड मेडलिस्ट ने विशेष अभियान चलाकर महिला और बच्चियों को आत्मरक्षा की निःशुल्क ट्रेनिंग दी और इससे पहले उन्होंने एशिया की दूसरी महिला कराटे गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब हासिल कर देश का मान भी बढ़ाया है। आज बेटियां हर कदम पर जमाने से कदम मिलाकर डटकर मुकाबला कर रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल की बेटी अंतर्राष्ट्रीय कराटे गोल्ड मेडलिस्ट प्रियंका सोनकपुरिया की, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड जीतकर एशिया के दूसरी महिला कराटे गोल्ड मेडलिस्ट बनकर नाम रोशन किया। बैतूल जिले का नाम प्रियंका ने साल 2017 में आगरा में आयोजित हुआ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया टूर्नामेंट में ब्राजील और चाइना के खिलाड़ियों को डायनी गुंज और रिंग ही हैन को 2 मिनट में एक तरफा शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया और बैतूल जिले के साथ देश का नाम पूरे एशिया में रोशन किया। मेरी कराटे की शुरुआत 2010 में हुई थी, समर कैंप के स्टार्ट हुई थी यहाँ, मतलब बैतूल में समर कैंप लगते थे पहले स्पोर्ट्स के, तो मुझे उसमें मतलब कराटे में इंटरेस्ट आया तो मेरी शुरुआत समर कैंप से हुई। फिर 2011 में हम लोगों के पास परमानेंट एक कोच आ गए, महेंद्र सोनकर सर, तो मैंने उनसे धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की। धीरे धीरे ट्रेनिंग के जरिए मैंने स्टेट नेशनल इंटरनेशनल खेली। 2017 में मैंने आगरा में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी SGFI इंटरनेशनल, उसमें मैंने ब्राज़ील और चाइना को हराई थी और गोल्ड जीती थी। आजकल जो लड़कियों को लेके जो इतने अपराध हो रहे हैं, आजकल जो इतने सारा जो अपराध हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए मैं लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ कि कुछ हद तक के मामले मतलब शांत रहे। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, मम्मी पापा हस्बैंड सारे सपोर्टेड हैं, मतलब हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं, आगे स्पोर्ट्स के लिए भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मेरा जो सपना है ओलंपिक में गोल्ड लाने का, तो उसके लिए मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।